हाय गाइस, मेरा नाम है उस्मान अली। आज जो आपको ब्लॉगर के बारे में तमाम ट्यूटोरियल सिखाऊंगा कि ब्लॉगर किस तरह बनाया जाता है और किस तरह एडसन अप्लाई किया जाता है और किस तरह इसके ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्लास वन में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर किस तरह बनाया जाता है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मैं तो ब्लॉगर बनाना तो बहुत आसान है। लोग कहेंगे, ज़्यादातर कहेंगे कि ब्लॉगर तो इतना आसान है, बना लेते हैं सब। लेकिन मैं आपको इस ट्यूटोरियल में और आगे की नेक्स्ट क्लासों में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और कैसे उसके लेआउट सही ठीक करते हैं और अनदर के कैसे अप्लाई करते हैं अकाउंट और कैसे अकाउंट हासिल करते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उर्दू, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं ब्लॉगर में, ब्लॉग में तो कैसे लिखते हैं ब्लॉग में उर्दू में, उसकी कैटेगरी कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको इस क्लासेस में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगर बनाना सिखाऊंगा। ब्लॉगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें जीमेल का अकाउंट दरकार होगा। अगर आपके पास आरएनई जीमेल का अकाउंट मौजूद है तो आप सिर्फ इधर साइन अप कर दें। मेरे पास आरएनई जीमेल का अकाउंट है तो ठीक है, मैंने इधर साइन अप कर दिया। साइन अप करने के बाद ये गूगल का पेज ओपन होगा, इस पर ब्लॉगर लिखें। ब्लॉगर लिखने के बाद ये सामने आपके सब ब्लॉगर क्रिएट योर फ्री ब्लॉग, यहाँ क्लिक करें। आपको यहाँ बता दूँ कि ये मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं ये सारे ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे साइन अप करेंगे ये चीज़ आपके सामने नहीं होगी, सिर्फ ये होगा डिफ़ॉल्ट और ये न्यू ब्लॉग होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अपना नया ब्लॉग क्रिएट करना है। मैं अपने ब्लॉग का नाम रख देता हूँ। ये आपका ब्लॉग का टाइटल होगा जो आपको गूगल में सर्च होगा, यानी कि मैं आपको बताऊं ये टाइटल होगा जो इंडेक्स होगा गूगल में। जैसे मैं ब्लॉग, ये देखें, ये आपका ये टाइटल होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपका यूआरएल है, सब डोमेन ये ऐसे आएगी, ठीक है। सॉरी, ये आपका यूआरएल होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, डिफ़ॉल्ट हम रख देते हैं, यही रख देते हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे। ये जी सामने आ गया, ठीक है। अब ये व्यूबर ऑडियो पोस्ट पेजेस कॉमेंट्स गूगल प्लस स्टेट्स अर्निंग लेआउट टेम्पलेट सेटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, गो टू पोस्ट, तो सबसे पहले हम अपना ब्लॉग का व्यू करते हैं कि क्या कौन सा टेम्पलेट है। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है हमारे ब्लॉग का। आज की वीडियो में हमने सीखा कि ब्लॉगर कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक टेम्पलेट किस तरह अपलोड किया जाता है और उसकी चेंजिंग, उसकी लेआउट कैसे डिज़ाइन की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।